नमस्कार साथियों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की क्लास के अंदर हम एनवायरमेंट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपना 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। और 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर हम बहुत सारे एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स को पहले भी कवर कर चुके हैं। आज एनवायरमेंट करंट अफेयर्स को ही आगे बढ़ाते हैं और काफी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है एनवायरनमेंट के अंदर, दैट इज रिगार्डिंग अ मंकी, अ टॉक मैकाक्यू। तो ये एक मंकी का टाइप है, मंकी का सब स्पीसीज है, जिसको यहां पर हमें क्या हुआ कि श्रीलंका ने 1 लाख एंडेंजर्ड मंकी यानी कि टॉक मैकाक्यू को चाइना को भेज दिया, चाइना पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जो मंकी है ना, इस मंकी की जब मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इस मंकी को एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसके बाद बात करेंगे कि रिसर्चर्स ने अभी अभी क्या देखा कि यहां पर फ्रेश वाटर फिश, यहां पर कि एक फ्रेश वाटर फिश की कैटेगरी जो है यहां पर देखेगी, जो कि एक बहुत ही रेयर स्पीसीज है, दैट इज गैरा लाइश रमी। तो इसको अभी अभी डिस्कवर किया गया ओडिशा के अंदर, कहां पर, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको रिसर्च के चलते हुए पाया। ये मिली है कोलाब नदी में, कोलाब नदी के अंदर। कोलाब नदी को हम सवारी नदी भी कहते हैं, जो कि गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है, वहां पर ये फिश की कैटेगरी पाई गई है। उसके बाद मैंग्रोव पिट्टाबड की बात करते हैं, तो मैंग्रोव पिट्टाबड अभी देखा गया भीतरकनिका, ओडिशा के अंदर भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वहां पर मैंग्रोव पिट्टाबड देखा गया। मैंग्रोव पिट्टाबड ये बेसिकली नियर थ्रेटन कैटेगरी में आता है अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिस्ट की, नियर थ्रेटन कैटेगरी में इसको रखा गया है स्टूडेंट्स। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है भारत देश का, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट। उसके बाद सी कुकुम्बर की बात करते हैं, तो अभी अभी हाल ही में 105 किलो सी कुकुम्बर को सीज किया गया तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको सीज किया है, सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर जो है इसको बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आता है। और अगर मैं बात करता हूँ द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसके अपेंडिक्स 2 की कैटेगरी में यह आता है ये सी कुकुम्बर। तो सी कुकुम्बर को अभी सीज किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद हेलो पाल्टिस की बात करेंगे, तो हेलो पाल्टिस में अभी क्या आता है कि जो यहाँ पर यूनाइटेड प्लांटर एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया है, इसने अभी एक कंसर्न रेज किया कि बहुत सारा नुकसान जो है यहाँ पर हो रहा है चाय को लेकर, चाय पत्ती को लेकर साउथ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर एक डिसीज आ रहा है हेलोपेल्टिस थाइवोरा, हेलोपेल्टिस थाइवोरा। क्लियर, ये यहाँ पर देखा गया। चलिए आगे बात करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हीट ब्लास्ट। तो अभी अभी व्हीट की एक स्टडी के चलते हुए दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप गेहूं, आटा हम सब खाते हैं, इसमें देखा गया कि इसमें एक ब्लास्ट डिसीज देखा गया, ब्लास्ट डिसीज देखा गया है, व्हीट ब्लास्ट इसको बोलते हैं। ये क्या है, एक फंगल डिसीज है, एक फंगल डिसीज है जो कि व्हीट में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। ये मैग्ना पोर्थे ऑर्जाय पैथोटाइप क्रिटिकम की वजह से पैदा होता है और पहली बार ब्राजील में इसको 1985 में देखा गया था। उसके बाद गैलापागोस में कोरल्स जो है वो देखे गए, कोरल्स जो है इनको देखा गया है, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड्स इक्वाडोर के अंदर पड़ते हैं और वहां पर देखे गए कोरल्स, कोरल्स। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, तो सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडियन स्कीमर्स की ब्रीड्स को पहली बार देखा गया है। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा के अंदर पड़ती है, सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर, और इंडियन स्कीमर की जब मैं बात करता हूँ, इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। उसके बाद वाटर बॉडीज की पहली सेंसस भारत देश में ऑर्गेनाइज की गई है, वाटर बॉडीज की पहली सेंसस को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पर बताया कि किस तरह से वाटर बॉडीज जो है भारत के अंदर काम कर रही है और कितनी वाटर बॉडीज अभी वर्क कर रही है। उसके बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करते हैं, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर आती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर हमने क्या देखा कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक घर बनाया जाएगा, ठीक है जी, घर बनाया जाएगा किसके लिए, चीतास के लिए सेकंड घर बनाया जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी आपको पता है कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतास को रखा गया है और उसी के साथ साथ ये जो हमारे पास आता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया जा रहा है। क्लियर, सो राजस्थान बॉर्डर पे बेसिकली मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान बॉर्डर पे बसी हुई है ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद नई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को वेस्ट बंगाल के अंदर देखा गया। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स वेस्ट बंगाल के अंदर आइडेंटिफाई की गई, इनका नाम क्या है, चार मणिदंगा, उसके बाद बात करेंगे नमथिंग पोखर, उसके बाद अमखोई फॉसिल पार्क, इनको अभी देखा गया है। ये नई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद अर्थ डे, आप सबको पता है कि अर्थ डे हम हर साल 22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। अर्थ डे 22 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार थीम क्या था, इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, ये इस बार हमारा थीम था। क्लियर, ये इस बार हमारा थीम था। उसके बाद पुलिकत लेक में लेसर फ्लेमिंगो को देखा गया है। लेसर फ्लेमिंगो जो है यहाँ पर बेसिकली देखा गया, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली पिछले 6 सालों से पुलिकत लेक में लेसर फ्लेमिंगो के कोई सिम्टम नहीं थे, और उसके बाद अभी इसको देखा गया है, दैट इज पुलिकत लेक, पुलिकत लेक लेसर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो इसका जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज पॉइनी कॉनेसिस माइनर इसका साइंटिफिक नेम है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा हुआ है, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया। और पुलिकत लेक जो है सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है भारत देश का, छिलका लेक के बाद, छिलका लेक के बाद। उसके बाद कालेसर नेशनल पार्क की बात करेंगे, कालेसर नेशनल पार्क जो है हरियाणा के अंदर पड़ता है, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखा जाता है कालेसर नेशनल पार्क। तो कालेसर नेशनल पार्क में अभी एक टाइगर जो है देखा गया, सदियों के बाद इस यहाँ पर टाइगर देखा गया, क्योंकि लगभग 100 साल के बाद, 110 साल के बाद यहाँ पर टाइगर देखा गया। पिछली बार टाइगर 1913 में यहाँ पर देखा गया था। तो टाइगर, टाइगर की बात करें, और कालेसर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हाँ जी, ओलिव रिडले, अरीबाडा स्टार्ट्स ए मंथ अर्ली। तो ओलिव रिडले की जब बात करते हैं, ओलिव रिडले जो है यहाँ पर टर्टल्स की एक कैटेगरी है, ठीक है, इनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। ये हमारे पास क्या है, ओलिव रिडले टर्टल्स। आगे बात करेंगे, मालाबार ट्री टोड की बात करते हैं। तो मालाबार ट्री टोड जो है ये मोलन नेशनल पार्क में देखा गया, मोलन नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर गोवा में आता है, बट दैट इज नियर टू द कर्नाटका बॉर्डर, कर्नाटका बॉर्डर के पास पड़ता है मालाबार ट्री टोड, मालाबार ट्री टोड। तो यहाँ पर बेसिकली जो है मोलन मोलन नेशनल पार्क यहाँ पर जो पड़ता है, और मालाबार ट्री टोड यहाँ पर देखे गए हैं, और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये ईस्टर्न लद्दाख के अंदर पड़ती है, तो अभी ये काफी न्यूज में आती है, क्योंकि इसके ऊपर एक, इसके पास एक नया इंडियन एयरफोर्स का माउंटेन रडार जो है लगाया जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, उसके बाद जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, आप सबको पता है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है बनाया जा रहा है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है पन्ना टाइगर रिजर्व को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए, ठीक है, केन रिवर से बेतवा रिवर को कनेक्ट करते हुए बनाया जा रहा है, और यहाँ पर ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल जो है इसी को देखने के लिए बनाई गई है, इसी को देखने के लिए काउंसिल बनाई गई है, पन्ना टाइगर रिजर्व। चलिए, फॉरेस्ट को सर्टिफिकेशन देने के लिए सरकार आगे आ गई है, सरकार कहती है कि यहाँ पर फॉरेस्ट को, यहाँ पर हम सर्टिफिकेशन देंगे, ताकि फॉरेस्ट का जो लकड़ है, टिम्बर है, फर्नीचर है, हैंडीक्राफ्ट है, पेपर है, पल्प है, रबड़ है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर सर्टिफिकेशन दिया जा सके। उसके बाद बात करेंगे हम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की। हैदराबाद ने यहाँ पर लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है रिलीज कर दिया, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया रिलीज कर दिया। क्लियर, चलिए, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेट सी हॉर्सेस। ग्रेट सी हॉर्सेस की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया और अपेंडिक्स 2 की कैटेगरी में रखा गया है। ग्रेट सी हॉर्स, ग्रेट सी हॉर्स, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ऑफ 2023, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के जो है ये वुमेन्स को ऑनर करने के लिए, वो वुमेन्स जो पानी और सैनिटेशन सेक्टर में टॉप पे हैं उनको सम्मानित करने के लिए स्टार्ट किए गए हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, तब यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान इसी के चलते हुए दिए गए अंडर द कैच द रेन कैंपेन। तो 36 वुमेन जो है इनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थीम क्या था इसका, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर ये थीम था। उसके बाद इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस की बात कर रहे हैं, इसके बारे में पिछली क्लास में बताया था मैंने,
और अभी फिर से बता रहा हूँ, इंटरनेशनल बिग कैटेगरी है इसमें, हम जितने भी हमारे टाइगर्स हैं, सेटाइक लायंस, चीतास, लियोपर्ड्स, इन सब की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलियंस के अंदर आने वाले इन स्पीसीज को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ने रॉयल बंगाल टाइगर और एसियाटिक लायंस को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है, स्नो लेपर्ड्स और अफ्रीकन चीतास को वल्नरेबल कैटेगरी में रखा हुआ है, कॉमन लीपर्ड को लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। हाँ जी, तो उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन का हाई सीज ट्रीटी। यूनाइटेड नेशन का हाई सीज ट्रीटी जो है यहाँ पर अभी साइन किया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स ने इस ट्रीटी को यूनिफाइड किया और बायोडाइवर्सिटी को साइन करने की, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कर दी हाई एरियाज में, हाई सी एरियाज में, ठीक है। सो द ट्रीटी इज नेगोशिएबल अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज ऑफ 1982, और जिसके तहत अभी सीज की प्रोटेक्शन के लिए हम कार्य करने वाले हैं। हाँ जी, उसके बाद ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पर बोला कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली बेटर वे में कार्य करेगा, जब आपको जो ग्रीन हाउस गैसेस से बचाना है भारत के अर्थ प्लैनेट को, तो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पॉलिसीज बनाने के लिए अच्छे लेवल पे कार्य कर सकती है। उसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है इसने ड्राफ्ट रेगुलेशंस बनाए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरियाज के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो एरियाज हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर अलग से कानून बनाए गए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करता हूं तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अंदर आता है, दैट इज इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पड़ता है और साइट्स ने इसको अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। साइट्स दैट इज कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, इसकी अपेंडिक्स 1 की कैटेगरी में आता है, और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1 एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आता है, क्लियर। उसके बाद बात करेंगे मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, यहाँ पर रेयर मोथ स्पीसीज को देखा गया है, रेयर मोथ स्पीसीज यहाँ पर देखे गए हैं। इंडियन वॉल्फ की बात करेंगे तो अभी गुजरात जो है 10 इंडियन ग्रे वॉल्फ्स को एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में सौंपेगा, ठीक है, वहां पर इसको सबमिट कर रहा है, और इंडियन वॉल्फ को हम लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा हुआ है, लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा हुआ है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करते हैं तो अभी ग्रीन क्लाइमेट फंड की 35वीं मीटिंग हुई थी, कहां पर, किगाली में, दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ रवांडा, वहां पर ये मीटिंग होती है, ठीक है। और यहां पर बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है सारी की सारी पहुंची और ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर यहां पर चर्चा होती है। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहां पर पहुंचे और काफी सारी इंस्टीट्यूशन, IDFC बैंक, यस बैंक, नबार्ड, सिडबी, ठीक है, इन सब ने यहां पर हिस्सा लिया। ILNFS एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिस्सा लिया। उसके बाद बात करेंगे जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट की, तो महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ पर जलयुक्त शिविर प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया महाराष्ट्र की सरकार ने। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एलिफेंट विस्परर की बात यहाँ पर करते हैं। तो एलिफेंट विस्परर एक मूवी है जिसको अभी बनाया गया है, ठीक है, एलिफेंट्स के ऊपर, कार्तिकी गोंजाल्स ने इसको बेसिकली डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया गया गनीत मोगा के द्वारा। एलिफेंट विस्परर्स एक मूवी जो है यहाँ पर बनाई गई, एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर बनाई गई है, दैट इज ऑन द मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। हाँ जी, उसके बाद रेड टाइड जो है बात कर लेते हैं। रेड टाइड जो है कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में अभी देखेंगे, कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में अभी इनको देखा गया रेड टाइड, ठीक है, समर और स्प्रिंग्स के वक्त बेसिकली इनको देखा जाता है रेड टाइड, और इंडिया में वेस्ट कोस्ट में देखे जाते हैं, वेस्ट कोस्ट में इनको देखा जाता है। उसके बाद संजय दुबरी टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, यहाँ पर एक टाइगरस जो है इसकी मृत्यु हो जाती है इलेक्ट्रोक्यूशन के द्वारा। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, क्लियर। उसके बाद डेनमार्क ने क्या किया, डेनमार्क ने यहाँ पर इंपोर्ट करी है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पर नॉर्थ सी में थी, नॉर्थ सी से ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट करता आ रहा है, दैट इज डेनमार्क। चलिए आगे बात करेंगे। हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्लास्टिक रॉक्स की बात करते हैं। तो रिसर्चर्स ने अभी अभी क्या देखा, सॉरी, रिसर्चर्स ने ब्राजील के अंदर हाल ही में प्लास्टिक रॉक्स को देखा है, त्रिनिदादे आइलैंड के ऊपर यहां पर देखा गया, ठीक है, प्लास्टिक रॉक्स,
और बेसिकली त्रिनदादे आइलैंड जो है दैट इज वेरी फेमस फॉर द ग्रीन टर्टल्स। ग्रीन टर्टल्स के लिए काफी फेमस है, और इन ग्रीन टर्टल्स को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको पुट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट लाइन की बात करते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम एशियाटिक लाइंस जो है यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर? बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर आती है, लॉ एंड ऑर्डर 2047 अविजन फॉर अमृतकाल। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को बनाया है। तो बारदा जो है दैट इज अ वेरी फेमस होम टू द मालधारी कम्युनिटी। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉयन के चलते हुए 2020 में मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, प्रोजेक्ट लॉयन। और यहाँ पर एशियाटिक लॉयंस को रखने की बात होती है। एशियाटिक लॉयंस जो है ये रेड लिस्ट में आते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स वन में और शेड्यूल वन और फोर्थ में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। उसके बाद मिशन सहभागिती है, भागिता की बात करेंगे। मिशन सहभागिता जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा शुरू किया गया था 2022 में। मिशन सहभागिता, जिसमें हमने बात करी कि हम 75 वेटलैंड्स जो है इंडिया में, रामसर साइट्स जो है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कार्य करेंगे, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कार्य करेंगे। क्लियर। उसके बाद नामदफा नेशनल पार्क की बात करेंगे, तो एक टाइगर जो है यहाँ पर अभी देखा गया नामदफा नेशनल पार्क के अंदर। नामदफा नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर जो है अभी स्पॉट किया गया था। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क के अंदर। क्लियर, नामदफा नेशनल पार्क के अंदर, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद रकून डॉग्स की बात करते हैं। रकून डॉग्स जो है यहाँ पर बेसिकली जेनेटिक डाटा जो है क्वानन सी फूड मार्केट के अंदर चाइना में, यहाँ पर रकून डॉग्स को लेकर एक डाटा कलेक्ट किया गया, सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। ये कहते हैं कि रकून डॉग्स आर लिंक टू द करोना वायरस, रकून डॉग्स आर लिंक टू द करोना वायरस। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर के अंदर पड़ता है, बहुत ही फेमस। ठीक है, इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो यहाँ पर मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट जो है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन के लिए कार्य करे, ये केंद्र सरकार ने यहाँ पर आदेश दिए थे। हाँ जी, केंद्र सरकार ने यहाँ पर ये आदेश दिए थे। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये। ठीक है, लोकटक लेक पे, लोकटक लेक। सो बायोफ्यूल्स की बात कर लेते हैं, तो बायोफ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास टारगेट भी है बायोफ्यूल्स को लेकर, जैसे कि हम इथेनॉल की बात कर रहे हैं, तो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे पास टारगेट है बाय 2025। तो बायोफ्यूल्स जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जो कि बायो इथेनॉल, बायो डीजल, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये क्या है? बायोफ्यूल्स है। ये क्या है? बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो वी हैव अ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2018, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025, 2026, ये हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। चलिए उसके बाद लिक्विड थ्री की बात करेंगे। साइंटिस्ट जो है सर्बिया के अंदर, इन्होंने लिक्विड ट्री को अभी अभी आइडेंटिफाई किया, लिक्विड ट्री, इसको लिक्विड ट्री को हम लिक्विड थ्री भी बोलते हैं, लिक्विड ट्री। क्लियर। हाँ जी, गंधा मर्दन हिल की बात करेंगे, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने गंधा मर्दन हिल रेंज जो है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट और बलंगीर डिस्ट्रिक्ट में, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसने ग्रीन अरावली वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के चलते हुए जो हमारी अरावली की पहाड़ियां हैं, गुजरात, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे लगती हुई अरावली के जो पहाड़ हैं, इनके 5 किलोमीटर तक के एरिया के आसपास बफर जोन जो है क्रिएट कर दिया जाएगा, ताकि इनकी प्रोटेक्शन जो है की जा सके। 5 किलोमीटर तक के इनके एरिया में बफर जोन को क्रिएट कर दिया जाएगा, बफर जोन को क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, बफर जोन। चलिए, और इसी तरह से आप सबको पता है कि एक अफ्रीका के अंदर ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलता है, जिसका मेन टारगेट है कि 2030 तक हमें 100 मिलियन सेक्टर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को फिर से यूज में लेके आना है। उसी की राह पर ये ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट भी है, लॉन्च किया गया। हाँ जी, अर्थ आर जो है ये 25 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था, अर्थ आर को 25 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था, अर्थ आर। तो लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को हर बार इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इस बार ये 25 मार्च को आता है, अर्थ आर। उसके बाद एशियाटिक लायंस और चीतास की हम पहले भी बात कर चुके हैं, एशियाटिक लायंस एंड चीतास। तो बात यह है कि कोनो नेशनल पार्क के अंदर चीतास रखे गए, हम सबको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह भी आदेश दिया था कि गुजरात के अंदर से एशियाटिक लायंस जो है कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शिफ्ट किए जाएंगे। तो अभी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उसी को लेकर जवाब जो है दिया,
ठीक है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर बहुत फेमस। काजीरंगा नेशनल पार्क में बेसिकली 2022 में कोई भी केस नहीं देखा गया पोचिंग का। पोचिंग मतलब शिकार, ठीक है। बट अभी एक केस यहां पर देखा गया है, ठीक है, 2023 के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क में एक केस जो है देखा गया। काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर आता है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान रिजर्व्स में टाइग्रेस जो है अभी देखी गई है, ठीक है। तो अभी अभी एक टाइग्रेस को कोटा के मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व, वन बूंदी रामगढ़ मिशनरी टाइगर रिजर्व के अंदर देखा गया है, रिलीज किया गया है। राजस्थान के अंदर टाइगर पॉपुलेशन भारत देश में बढ़ाने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। तो मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यहाँ पर एक टाइग्रेस को छोड़ा जा रहा है। और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व में भी एक टाइग्रेस को छोड़ा जा रहा है। उसके बाद एक्सोस्टोमा धृता है। एक्सोस्टोमा धृता है ये कैटफिश की एक कैटेगरी है, जिसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देखा है, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली वुमेन डायरेक्टर है इनका नाम है धृति बनर्जी, तो उसी धृति के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। धृति बनर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, एक्सोस्टोमा धृताई। एक्सोस्टोमा धृताई इसका नाम इसी वजह से रखा गया है। उसके बाद आमचक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, तो असम हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक रिपोर्ट मांगी है, दैट इज आमचक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बॉर्डर्स पर जो डीमार्केशन होती है उसको लेकर। तो यहाँ पर आमचक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पर देखा गया, ठीक है, कि यहाँ पर आमचक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब मैं बात करता हूँ, ये बहुत ही नेचुरल रिच हैबिटेट यहाँ पर है, गुवाहाटी सिटी के ईस्ट में पड़ती है। इसको 2004 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दिया गया था आमचक। उसके बाद मिशन एरकोपम की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिशन एरकोपम स्टार्ट किया है, जिसके चलते हुए हम रॉड टस्कर को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो एक वाइल्ड एलिफेंट है जिसका नाम है अरिकोम्बैन, इसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद केरला गवर्नमेंट के ऊपर एनजीटी ने फाइन लगाया, क्योंकि ये रामसर साइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। केरला के अंदर क्या देखा गया कि केरला के अंदर जो रामसर साइट्स हैं वहां पर लोग कचरा फैला रहे हैं, वहां पर लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, और राज्य की सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। राज्य की सरकार को, अथॉरिटीज को बहुत बार शिकायत की गई, बट कुछ भी नहीं सुनाई की जा रही है। तो जिसके चलते हुए यहां पर एनजीटी ने पेनल्टी लगा दी केरला की सरकार के ऊपर, केरला की सरकार के ऊपर। क्लियर, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसने हीट इंडेक्स को रिलीज किया। हीट इंडेक्स वार्निंग सिस्टम जो है दिल्ली और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में रिलीज किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हॉट वेदर एनालिसिस जो है भारत देश में किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर हीट इंडेक्स जो है रिलीज करने की बात आ रही है। हीट इंडेक्स, हीट इंडेक्स। क्लियर, हाँ जी। केरला का जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसमें से प्लांट स्पीसीज को इरेडिकेट करने की बात आती है, तो केरला जो है एक मैनेजमेंट प्लान लेके आया है, जिसके चलते हुए ये सेना स्पेक्टाबिलिस और इसको इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं, इसको इरेडिकेट करने की बात कर रहे हैं। सेना स्पेक्टाबिलिस जो है ये एक प्री नेटिव जो है ट्रॉपिकल एरिया ऑफ अमेरिका में पाया जाता है, और लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रखा हुआ है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। क्लियर, उसके बाद बेसिकली एलिफेंट्स जो है केरला में लोगों की जान कम ले रहे हैं, बट वाइल्ड स्नेक्स जो है, ठीक है, इन्होंने ज्यादा जान ली है, इन्होंने ज्यादा जान ली है। स्नेक बाइट्स के कारण बहुत सारे लोग जो है देखेंगे केरला के अंदर मृत्यु होते हुए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी ये कहती है कि 12 लाख स्नेक बाइट डेथ जो है 2000 से लेकर 2019 के बीच में देखी गई है, ठीक है, स्नेक बाइट के वजह से। चलिए आगे बढ़ेंगे, हाँ जी। बात करते हैं आईसर की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल जो है इसने ड्राफ्ट जीनोम किया है, जीनोम को ड्राफ्ट किया है चार इंडियन काउ ब्रीड्स के लिए, चार इंडियन काउ ब्रीड्स के लिए इसने जीनोम को बेसिकली क्या किया है, जीनोम को ड्राफ्ट किया है। तो कसरगोड ड्वार्फ, कसरगोड कपिला, वेचूर और ओरगोल, ये चार स्पीसीज है, चार ब्रीड्स है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का स्टैंड मांगा है, ठीक है, एलिफेंट्स के लिए सेटेंडरी बॉडी बनाने के लिए, एलिफेंट्स के लिए सेटेंडरी बॉडी बनाने के लिए। 2010 की गाजा रिपोर्ट एलिफेंट टास्क फोर्स के द्वारा प्रिपेयर की गई थी, उसने बोला था कि एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेंट्रली नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, जैसे कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी काम करती है। बट अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी स्टेप रेज नहीं किया गया है जो कहता हूं
कि हम यहाँ पर बना रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ साथ एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी। ययात्सो जो है ये लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन रहा है, लद्दाख का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ययात्सो। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने साइट्स डेटाबेस को रिवील किया, ठीक है, जिसके चलते हुए रेड सेंटर्स की स्मगलिंग को लेकर डाटा यहां पर आ जाता है। तो साइट्स जो है, ठीक है, साइट्स दैट इज द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, क्लियर। चलिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है ये कॉमन सर्विस सेंटर्स यहां पर लेके आ रही है, और यहां पर इसके लिए इसमें कॉपरेशन मिनिस्ट्री के साथ एमओयू भी साइन किया है। हाँ जी, तो कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है प्रोवाइड करेंगी। तो डिजिटल सेवा पोर्टल जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स का, वो यहाँ पर उसके साथ लिंक कर जो भी सर्विसेज वहाँ पर है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सारी की सारी ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है किसानों को प्रोवाइड करवाएंगी। हाँ जी, एशियाटिक ब्लैक बियर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 2357 अटैक्स जो है यहाँ पर देखे गए पिछले 20 सालों के अंदर कश्मीर के अंदर, ठीक है, द एशियाटिक ब्लैक बियर के द्वारा, ठीक है। तो एशियाटिक ब्लैक बियर जो है ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, तो ऐसे 2357 केसेस जो है देखे गए हैं पिछले 20 सालों के अंदर। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज इतने एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स करते हैं, कल की क्लास में एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स को हम खत्म कर देंगे, ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। किसी को कोई भी सवाल या डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एनवायरनमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास देखते हैं, बाद में भी देखते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।